दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ मूवी का हीरो नवीन कुमार गौड़ा के बारे में, जिनको लोग यश नाम से पहचानते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकता है कि उनका पिताजी एक बस ड्राइवर थे। बात यह है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आज सुपरस्टार कैसे बन गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं शिवा, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरुआत से बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1986 कर्नाटका की एक गांव में, और इनका पिता अरुण कुमार और उनका मां का नाम पुष्पालता, और उनका एक बड़ी दीदी भी हैं जिनका नाम नंदिनी। यश को पढ़ाई में उतना खास इंटरेस्ट नहीं था, उनको एक्टिंग करना अच्छा लगता था, इसलिए वो स्कूल से लेकर आसपास की किसी भी फंक्शंस मिस नहीं करते, हर ड्रामा कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते थे। और यश इतना अच्छा एक्टिंग करते थे कि लोगों का तारीफ सुनकर उनका उत्साह और भी बढ़ता गया। और इसी जोश पर आके यश ने एक बार क्लास 10 के बाद पढ़ाई छोड़ देने की बात अपनी पापा से कह दी। फिर उन्होंने समझाया कि तुम्हें अगर एक्टिंग करना पसंद है तो तुम वही करना, लेकिन पढ़ाई पूरा करने के बाद, क्योंकि एजुकेशन के बिना एक्टिंग भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद यश ने PUC यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कम्प्लीट किया महाजना एजुकेशन सोसाइटी से। पढ़ाई पूरा करने के बाद यश ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी बेहतरीन यानी कि इम्प्रूव करने के लिए बेनका मंडली इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उसके बाद यश की इस कमाल की एक्टिंग को देखकर काफी सारा टीवी सीरियल पर काम करने के लिए मौका मिल गया। उनमें से सबसे पहला टीवी सीरियल का नाम था नंदा गोकुला। उसके बाद उनका करियर रुकने का नाम नहीं लिया, टीवी सीरियल से सीधा फिल्मों में चांस मिल गया। जी हाँ दोस्तों, उनको 2007 में जम्बड़ा होगी मूवी पर उनको एक छोटा सा रोल मिल गया था, और यश ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यश ने पूरे दिल से वो किरदार निभाया और वो मूवी ब्लॉकबस्टर बन गया। उसके बाद उनको कई सारी फिल्मों का ऑफर्स आने लगे। 2008 की मोगिना मनसो मूवी में यश ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया, और इस मूवी के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये तो था उनका करियर की एक छोटा सा शुरुआत। उसके बाद 2013 की और एक मूवी गुगली ने उनके फैन बेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ तक तो वो सिर्फ कन्नड़ा में ही फेमस थे, हालांकि उसके बाद भी यश ने कई सारी मूवीज पर काम किया, लेकिन 2018 में आए KGF चैप्टर 1 ने उनको पूरी भारत में पहचान दिलाया। लोगों को ये मूवी काफी पसंद आया, और ये मूवी कन्नड़ा में उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी बन गया था। और दोस्तों, KGF चैप्टर 1 देखने के बाद 7 जनवरी 2021 को जब KGF चैप्टर 2 का ट्रीजर रिलीज हुआ था, तब सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ये ट्रीजर ट्विटर इंडिया के नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि KGF चैप्टर 2 भी पूरी इंडिया में धमाका मचाने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो 9 दिसंबर 2016 को यश ने राधिका पंडित, जो कि एक एक्ट्रेस है, उनसे शादी की है, और उनका दो बच्चे भी हैं जिनका नाम आयुष और आयरा। तो दोस्तों, ये था यश की यानी कि नवीन कुमार गौड़ा की सफर। बाकी आप बताएं कि कहानी कैसी लगी है। दोस्तों, इंसान को हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि अपनी वर्तमान हालात को देखकर डर के बैठे रहना चाहिए। उस वक्त अगर यश के पिताजी ने ये सोचते कि मैं एक साधारण सा बस ड्राइवर हूँ और ये सब एक्टिंग हमारी बस की बात नहीं है, बस एक अच्छा सा जॉब मिल जाए ताकि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यश को सपोर्ट किया, जिस काम में उसको इंटरेस्ट था उस चीज में उन्होंने सपोर्ट किया। अगर तब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज हम भी उनका कहानी नहीं बताते और आप भी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। उसके रिश्तेदारों के अलावा आप और मैं उनको नहीं जान पाते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए, मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Powerful people make places.